इस कोरोना बीमारी में अपने व्यस्तम समय के बावजूद यहाँ पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पिछले 26 मार्च से 15 सचिवों को अलग अलग राज्यों की मजदूरों की समस्या की जानकारी प्राप्त करने एवं उसका निराकरण करने के लिए की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तत्पश्चात श्रम विभाग के द्वारा एक वृहद कॉल सेंटर नेपाल हाउस में बाहर में फंसे हुए झारखंड के निवासियों के लिए एवं सूचना भवन में जनसंपर्क विभाग के द्वारा झारखंड के अंदर जो हमारे नागरिक गण थे उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया। नेपाल हाउस में जो हमारा कॉल सेंटर श्रम विभाग के द्वारा संचालित है उसमें करीब 60 लाइंस सेपरेट लाइंस हैं और उसमें 3 शिफ्ट में करीब 150 हमारे कर्मी दिन रात कार्यरत हैं, जिससे कि हमारे जितने भी श्रमिक भाई बहन या अन्य जो भी झारखंड निवासी बाहर में फंसे हुए हैं उनकी समस्याओं का को हम लोग सुनते हैं और विभिन्न राज्यों से संपर्क स्थापित करके सभी राज्यों में नोडल पदाधिकारी इसके लिए नियुक्त किए गए हैं, विशेषकर झारखंड के लिए उनसे संपर्क करके हम लोग उनको सहायता पहुंचाने का प्रयास सारे सचिवगण करते रहे हैं। उस कॉल सेंटर के आंकड़ों को जो हम लोगों ने एनालाइज किया उसकी समीक्षा की तो कल तक करीब 24,000 से अधिक हमारे कॉल्स आ चुके थे और उसमें से 80-90% लोगों को हम लोगों ने सहायता पहुंचाई और उन कॉल्स में एक कॉल में कई सारे ऐसे लोग भी थे जहां की कई समूह में लोग थे और किसी कहीं पर 20-25 लोग, कहीं पर 30 लोग, कहीं पर 70-80 लोग भी एक साथ फंसे हुए थे। और इस प्रकार से 24,000 जो हमारे करीब कॉल हैं उसमें करीब 8,00,000 ऐसे लोगों को बारे में हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई जो झारखंड राज्य से बाहर हैं। इसमें कुछ डुप्लीकेशन भी हो सकता है, कई लोग सेम समूह के बारे में कुछ कॉल कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग का प्रयास था कि 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन था तो हम लोगों का प्रयास था कि हम लोग उनको अपने स्तर से सहायता पहुँचाएँ। अभी जब दूसरा लॉकडाउन हो गया है तो इसमें इस सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए कैसे उन तक हम लोग पहुँचे, कैसे आर्थिक सहायता उनको दिया जाए, उसके लिए एक ऐप की आवश्यकता महसूस हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोगों को निर्देश दिया गया सभी सचिवों को कि आप इस ऐप को बनाएं और उस ऐप का आज हम लोग शुभारंभ करने जा रहे हैं। और जैसे ही शुभारंभ होगा हम लोग आज ही ये जितने भी 24,000 जो हमारे फ़ोन कॉल्स हैं उन सभी लोगों को हम लोग SMS के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से इस ऐप के बारे में बताएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐप का फ़ायदा उठा सकें। इस ऐप की विशेषता यह है कि ये झारखंड के बाहर जो हमारे लोग फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए है और वो बहुत ही ऐप को बहुत सिंपल रखा गया है। उनका आधार कार्ड हम लोग उनसे मांग रहे हैं, उसका फ़ोटो, एक सेल्फी मांग रहे हैं जिससे ये क्लियर हो सके कि वो राज्य के बाहर ही है, राज्य के अंदर से नहीं है अभी। और फिर उनका जो ये डिटेल आ जाएगा हम लोग अपने जिलों में उसकी पहले कंप्यूटर से मैचिंग कराएंगे, फिर फिजिकल मैचिंग कराएंगे और एक सप्ताह की अवधि हम लोग उनको दे रहे हैं कि एक सप्ताह तक सभी लोग आवेदन समर्पित करें और उसके बाद उनको सहायता राशि जो है आधार बेस्ड PFMS के माध्यम से उनके अकाउंट में, उनसे अकाउंट नंबर भी हम लोग मांग रहे हैं, उनके अकाउंट में उसको पहुँचा दिया जाएगा। चूँकि हम सारे हमारे प्रेस एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के छायाकार बंधु यहाँ पर आ चुके हैं इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो माउस का बटन दबाकर इस ऐप को लॉन्च करें।
धन्यवाद सर। अब मैं NIC के श्री अमर सिन्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐप की विशेषताओं का एक संक्षिप्त विवरणी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सभी को नमस्कार और हृदय से अभिवादन। एक अत्यंत कठिन घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहायता हमारे राज्य से बाहर फंसे हुए बंधुओं के लिए आरंभ की गई। हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आप सभी वरीय अधिकारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। सर ने अभी बड़े विस्तार से इस ऐप के बारे में और उसके उद्देश्यों के बारे में बताया है। पुनः इसके तकनीकी पक्ष पर हम NIC की तरफ से कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। जैसा सर ने बताया कि हम लोग जो बाहर लोग फंसे हुए हैं, हमसे संपर्क करने का उनका एक माध्यम था दूरभाष, जो पहुंचना बहुत सुगम नहीं था। तो एक हम लोग ऐप दे रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके वो सहजता से हम तक पहुंच पाएंगे और इस ऐप में वो अपना आंकड़ा भरेंगे और उसमें कुछ चीज़ों की पुष्टि की जाएगी ताकि उनकी वैधता को सत्यापित किया जा सके। जैसे कि उनका लोकेशन, जियो लोकेशन, वो राज्य के बाहर का होना चाहिए। उनका जो नाम है, उनके आधार के जो आंकड़े हैं उसके नाम से पूरी तरह मेल खाना चाहिए। उनका जो बैंक का अकाउंट है वो हमारे राज्य के अंदर होना चाहिए और उनका उनकी जो मोबाइल संख्या है वो वैध होनी चाहिए, जिसका हम लोग OTP के माध्यम से उसका सत्यापन करते हैं जी। तो अभी एक बार सत्यापन हो जाने के बाद ये आंकड़े हमारे पोर्टल में चले आते हैं और उस पोर्टल के बाद हम लोग फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, वेरीफाई करते हैं और PFMS पर भुगतान के लिए आगे उसको देंगे। एक मूवी है तो इससे ये इसकी सारी क्रिया कार्य प्रणाली स्पष्ट हो जाएगी। हम लोग एक इस पे बता रहे हैं कैसे आप अपना आप आधार कार्ड का फोटो और अपना जो सेल्फी है वो कैसे डालेंगे। इसके बाद जब अगला स्क्रीन आएगा तो उनसे कुछ आंकड़ों को भरने के लिए कहा जाएगा, जैसे वो किस गृह जिले से हैं, किस गृह उनका गृह प्रखंड क्या है, उनके पंचायत का नाम क्या है, उस लाभार्थी का लिंग क्या है और उनके पिता पति का नाम क्या है। फिर इसके बाद उनकी आधार की संख्या हम मांगते हैं और अंत में घोषणा भी उनसे लेते हैं कि वो स्वेच्छा से अपनी आधार संख्या को दे रहे हैं ताकि वो जो आधार एक्ट है उसका हम लोग पूरी तरह अनुपालन कर पाएं। आप देख पा रहे हैं इसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट है, गृह जिला का नाम और प्रखंड और उनका उनका पंचायत, ये सब कुछ स्वतः ही आ रहा है। इसको चुनना काफ़ी आसान है, तो काफ़ी आसानी से कोई जो थोड़ी भी समझ रखता है वो इसको भर पाएगा। ये सारे आंकड़े इसमें भरे हुए हैं पहले से, कुछ लिखना नहीं है उनको, सिर्फ चुनना है उनका जिला क्या है, प्रखंड क्या है और पंचायत क्या है। फिर अपना वो नाम डालते हैं, ये नाम उनका जैसा आधार कार्ड पे नाम है वैसा ही होना चाहिए क्योंकि इसकी जांच हम लोग करते हैं, हमारा आधार से इंटीग्रेशन है इस ऐप का और वो देखता है कि आधार नंबर सही होना चाहिए और जो आधार के डाटा में नाम है वही नाम यहाँ भी होना चाहिए। इसके अलावा पिता और पति का नाम है और लिंग है, ये जो एक आम तौर पे किसी आवेदन के लिए लिया जाता है वो सारी सूचनाएं इसमें है। बहुत कम है, सिर्फ नाम, पिता पति का नाम और लिंग, इतना ही, और आधार संख्या। इस मूवी में आप देख पा रहे हैं ये अभी इनकी प्रविष्टि हो रही है, हमने थोड़ा इसको स्लो किया है ताकि ये स्पष्ट तौर पे दिख पाए कि क्या भरा जा रहा है। ऐसा ख्याल रखा गया है कि कोई भी किसी भी स्तर का के लोग हों वो इसको भर पाए। ये आधार संख्या सही आधार संख्या नहीं है, जो गोपनीयता बनाए रखने के लिए एक डमी नंबर है, लेकिन ये आधार को कंप्लाई करता है, उसके फॉर्मेट को। अब ये आधार सत्यापन सफल हुआ अर्थात आधार ये डाटा सही है। इसके बाद हम पूछ रहे हैं कि आप किस राज्य में हैं, कहाँ फंसे हुए हैं और उस राज्य के किस जिले में आप फंसे हैं, तो ये भी स्वतः उस लिस्ट में आ रहा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ रहा है, ये भी उनको चुनना ही है और हिंदी में है, चुनने में आसानी होगी उनको। एक बार ये जहां फंसे हैं उस राज्य का नाम और उस जिले का नाम डाल देने के बाद, हालांकि इसका बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, महत्व तो उनके जियो लोकेशन का है। जब वो फोटो अपलोड करेंगे तो उस फोटो के साथ उनका लोकेशन भी जाता है और हमारा जो सारा वैलिडेशन है, हमारी सारी जांच की प्रक्रिया वो जियो लोकेशन पे ही आधारित है कि वो हमारे राज्य से बाहर के होने चाहिए।
ये एक कंडीशन है जो हम लोगों को पूरा करना है। उनके मोबाइल के वेरिफिकेशन के लिए हम ओटीपी भेजते हैं ताकि वो जो मोबाइल नंबर दे रहे हैं वो सही है। बात की सारी सूचनाएं हम मोबाइल पर ही देंगे। उनकी भुगतान की स्थिति क्या है या किसी वजह से अस्वीकृत हुआ तो वो भी सूचना हम मोबाइल पर देंगे। इसलिए मोबाइल की जांच जरूरी थी जो ओटीपी के माध्यम से हम लोगों ने की। अब अगला जो स्टेप है जो लगभग हम अंत की तरफ हैं वो आधार कार्ड का फोटो और अपना सेल्फी दोनों इस पर अपलोड करेंगे। ये आधार कार्ड का फोटो और सेल्फी अपलोड करने का उद्देश्य ये है कि वो वही आदमी आवेदन दे रहा है जो जिसका आधार है। वो इसके बाद बैंक का अकाउंट है और चूंकि बैंक का आईएफएससी कोड भी हमारे पास लिस्ट मास्टर लिस्ट है तो हम ये जान पाते हैं कि ये जो बैंक का अकाउंट है हमारे ही राज्य का है। तो वो व्यक्ति हमारे राज्य से बाहर है, आधार का नाम सही है और उनका बैंक का अकाउंट हमारे राज्य में, ये तीन चीज़ें यदि वो ये तीन अर्हताएं वो पूरी करते हैं तो फिर वो इस लाभ के इस सहायता के लिए वो योग्य होंगे। बैंक का खाता दोबारा डलवाते हैं ताकि वो कुछ गलती नहीं हो जाए। और जी ये जब आधार का फोटो और उनका सेल्फी है जब ये डाटा यहाँ आ जाता है तो फिर हम लोग अपने पोर्टल के माध्यम से संबंधित जिले को भेजेंगे जो उनके लॉगिन पर प्राप्त होगा और जिलों में इसका सत्यापन होगा कि वो आधार का फोटो और इस व्यक्ति का फोटो दोनों मैच कर रहा है, मेल खा रहा है, तभी वो आगे भुगतान के लिए योग्य होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक ये भी डमी आधार कार्ड है लेकिन इसका फोटो लिया गया। इसके बाद हमारे सहयोगी हैं वो चूंकि फिल्म बना रहे थे उमेश जी, उन्होंने अपनी ही तस्वीर डाली। ये अभी यहाँ मैच नहीं कर रहा, आधार का फोटो और ये फोटो मैच नहीं कर रहा है लेकिन जो असली जो सही आवेदन होगा उसमें इन दोनों को मैच करना होगा तभी वो आगे भुगतान के लिए वो योग्य होगा।